चौड़ा लेक के किनारे बैठकर हम अगर नागपुर का इतिहास छूने की कोशिश करें तो चलिए देखें कहां तक पहुंचते हैं। पहली बार नागपुर का नाम लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ मिलता है 940 ईस्वी में, यानी 940 AD, एक कॉपर प्लेट पर देवड़ी गांव में, जो आज के मुर्दा जिला में है। AD में वाकाटक वंश के राजा विंध्या शक्ति ने स्थापित किए। उनके बाद उनके बेटे के बेटे यानी पोते रुद्रसेन, रुद्रसेन दूम यानी रुद्रसेन भी सेकंड, स्वर्ण युग के चंद्रगुप्त दूम की बेटी प्रभावती से शादी की। रुद्रसेन ज्यादा दिन जिंदा न रह सके तो उनके बेटे दिवाकर सेन गद्दी पर बैठे, लेकिन अभी कम उम्र थे इसलिए प्रभावती ने राजपाट संभाला और पिता के हाथ से कुछ बड़े औहदेदार को बुलवाया, एक मिलिट्री और एक सिविल यानी फौजी और शहरी इंतजाम संभालने के लिए। जो शहरी इंतजाम संभाल रहे थे वो विश्व प्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि कालिदास थे। जिसे अब हम रामटे कहते हैं, वहां बैठकर मेघदूत की रचना की, ये नाम भी नागपुर से जुड़ गया।